अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 4. वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नेम इज़ नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सबसे पहले हमने नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है, और नंबर्स कहाँ तक हमने इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करने हैं, अप टू 100 मिलियन तक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है, सॉरी चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है वो नंबर्स के बारे में है. इसमें आपने नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है अप टू 100 मिलियन तक. फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपने क्या करना है, आपके पास 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस हैं और इन ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं. दिस इज़ पार्ट बी ऑफ योर दिस चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे. ये आइडेंटिफिकेशन दी हुई है पहले पेज नंबर 5 पे नंबर्स की. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नंबर्स अप टू 100 मिलियन. अब सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है वंस, फिर आते हैं टेंस, फिर आते हैं 100, देन 1000, देन 10,000. ठीक है, फिर मिलियन और 10 मिलियन. इस तरह ज़रा ये आपको एग्जांपल 1 है, एक इसमें गिवन है. पहले है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000. ये आपने याद रखनी है, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए. अब वंस में सिर्फ 1 वैल्यू आएगी. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब मैंने ये काउंटिंग लिखी है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. ठीक है, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए. इसमें हम देखेंगे कि वंस में सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू आती है. ठीक है, अब मैं कोई भी एक नंबर दे लेती हूँ, उसको आप मैं ज़ीरो से आपको बताऊँगी कि कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी. अब देखें, वन सिर्फ उसमें 1 आया है वंस में. उसके बाद आता है टेंस, टेंस में हमारे पास 2 वैल्यूज होती है. ठीक है, समझ आ गई. ये वंस और वंस में जब हम एक ज़ीरो लगाएंगे तो वो हमारा टेंस बनेगा. अब इस टेंस के बाद क्या आता है, 100, 100 में 2 ज़ीरो. ठीक है, एक 100 में 2 ज़ीरो आएंगे हमारे पास. 100 के बाद क्या आता है, 1000, 1000 में कितने आएगा, 1, 2 और 3. इसी तरह 10,000 में देखें, ये 10 और 1000 के कितने थे, 3. ये चीज़ बन गई. अब मिलियंस देखें, ये थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. अब मिलियंस में देखें, मिलियंस में कितने आएंगे हमारे पास, ये 1, ये 1000, ये 1000 और ये 1. ठीक है, तो इसमें कितने 6 वैल्यूज आएंगे, 6 ज़ीरो आएंगे 1 के बाद. अब 10 मिलियन है तो यहाँ पे 1 की जगह 10 आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह ये. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वंस में कितने 0 आएंगे, टेंस में कितने आते हैं, 100 में कितने आते हैं और 1000 में कितने आते हैं. इसी तरह पीछे पीछे हम देखेंगे. लेफ़्ट से आपने नंबर्स को स्टार्ट करना है, कोई भी नंबर है तो आपने उसको 1 से काउंट करना स्टार्ट करना है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. यहाँ पे है 2, 5, 3, 6, 8. इसको अगर आपने बताना है कि कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने मिलियंस हैं, तो ये पहला लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे. ये है वंस, सॉरी इसको हमने राइट से स्टार्ट करना है. ये नंबर जो भी आपको गिवन होगा इसको आपने राइट से स्टार्ट करना है, वंस काउंट करना. वंस के बाद क्या आते हैं, टेंस, फिर क्या है, 100 के बाद क्या है, 1000, और 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000. ठीक है, इस तरह आपने नंबर्स में बताने हैं कि कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं और कितने थाउजेंड्स हैं. इस तरह आपने नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है. एग्जांपल नंबर 1 हम देख लेते हैं आज. एग्जांपल नंबर 1 में है, इन द प्लेस वैल्यू चार्ट बिलो काउंट 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस.
इसमें आपको वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000 गिवन है। ठीक है, और उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनमें बताना है कि कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड हैं और कितने थाउजेंड वगैरह हैं। अब पहले वंस वंस से स्टार्ट करते हैं हम। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो ये कितने हैं? नाइन वंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाइन वंस। फिर टेन टेंस काउंट कर लें आप। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो कितने टेंस हैं? सेवन टेंस हैं। इसी तरह आपने बाकी भी इनको ऐसे ही एज इट इज़ काउंट करना है। राइट से आप लोग स्टार्ट कर लें, लेफ्ट से स्टार्ट कर लें, जैसे आप काउंट कर लें। लेकिन लिखना आपने हंड्रेड से, हंड्रेड थाउजेंड वाली साइड से लिखना स्टार्ट करना है। अब इस तरह जिस तरह क्वेश्चन में हमें बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और वर्ड में भी लिखना है। तो हंड्रेड थाउजेंड से आप काउंट करना स्टार्ट करें। वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। तो हम क्या लिखेंगे? फाइव हंड्रेड थाउजेंड। फिर टेन थाउजेंड, वन, टू और थ्री, थ्री टेन थाउजेंड। फिर थाउजेंड में देखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन टेन था, सेवन थाउजेंड। हंड्रेड देखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इनको सिंपल आपने काउंट करके एज इट इज़ इधर लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपके पास थाउजेंड्स हैं, कितने वैल्यूज़ हैं? वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। फाइव आ गया और ये जितने आगे इसके ज़ीरोज़ प्रेजेंट है वहाँ पे हम उतने ज़ीरो लगाएंगे। उसके बाद है टेन थाउजेंड। टेन थाउजेंड में जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी हमने काउंट करके लिखनी है। ज़ीरोज़ का स्पेशली हमने ख्याल रखना है कि टेन थाउजेंड में कितने ज़ीरो हैं, हंड्रेड थाउजेंड में कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, इसी तरह थाउजेंड्स को भी हमने काउंट करना है, हंड्रेड्स को भी करना है, टेंस को भी और वंस को भी। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने एज इट इज़ ये वाली पहली वैल्यू को सम अप करना है और बाकी ज़ीरोस एज इट इज़ लगानी है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है कि ये जो हमारी लास्ट वाली वैल्यूज़ है, ये देखें, फाइव, थ्री, सेवन, सिक्स, सिक्स, सेवन और नाइन। ठीक है, इसको हमने सम अप करके इकट्ठा करके लिखना है। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? वर्ड काउंटिंग में फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन। ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा से फिर बता दूं, ये आपने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन और टेन मिलियन, इसकी सीक्वेंस को आपने स्पेशली याद रखना है। और इसमें फिर आपने देखना है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। वंस में देखें एक भी ज़ीरो नहीं है। फिर आता है टेंस, टेन में हमारे पास वन ज़ीरो आता है, हंड्रेड में टू, थाउजेंड में थ्री, टेन थाउजेंड में ये टेन और ये थाउजेंड। ठीक है, इस तरह हंड्रेड थाउजेंड बनेगा तो हंड्रेड और ये थाउजेंड, मिलियन बनेगा वन, फिर डबल थाउजेंड, एक ये और एक ये, सिक्स ज़ीरो जब आएंगे तो वो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? मिलियन। इस तरह टेन मिलियन बनेगा तो ये टेन और ये दो मिलियन, तो क्या बन जाएगा नंबर? टेन मिलियन। ठीक है, ये आपने इसी तरह एग्जांपल वन की तरह बिल्कुल, एग्जांपल टू है इसमें भी आपने, आपके पास नंबर्स गिवन है, आपने नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और वर्ड फॉर्म लिख दी है। ठीक है, नंबर्स देख लें आप, मंथ्स में भी गिवन है, टेंस के थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन और टेन मिलियन, सारे आपके पास नंबर्स गिवन है। आपने सिंपली नंबर्स को काउंट करना है और देन इसकी एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है बट आपने ये वाली एग्जांपल खुद से सॉल्व करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक थे आपके नंबर की आइडेंटिफिकेशन। कल से हम एक्सरसाइज वन ए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें भी आपके पास पहले टू क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एग्जांपल वन और एग्जांपल टू की तरह हैं। उसमें भी आपने
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है क्वेश्चन की। ये लोग ये वाले क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। आज आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है, आपने एक तो करना है आइडेंटिफाई नंबर्स को, ठीक है। स्पेशली आपने ये वाली सीक्वेंस याद रखनी है, इनमें नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं, कितने कितने आएंगे, किस सीक्वेंस से ये वन स्टंस आएंगे, ठीक है। फिर आपने एग्जांपल वन और एग्जांपल टू अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको ये दोनों एग्जांपल्स नहीं आएंगी सही समझ, एक्सरसाइज वन है कि वन और बी पार्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।